लोग मेरे को जल्दी थी शीघ्र ही मेरे साथ तो तुम्हारा मिला हुआ है। तो वो वहाँ पे चंद्रशेखर आचार्य जाया था उनके घर पे हमको मिला। तो वहाँ पर जो हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार श्री गोस्वामी महाप्रभु जो इस धराधाम थे उनकी परिचयात्मक श्लोक के द्वारा उनकी स्तुति किया है। स्तुति हमारे नित्य वंदना है। नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गोविंद से नमो। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को हमने श्रवण किया था कि किसी भी व्यक्ति को जब इस प्रकार संसार में एक व्यक्ति जो दान करता है जो वस्तु को दान देता है वो उसके अधीन नहीं रहता वह अथवा उसके अधीन अभी है तो कभी नहीं रहेगा तो वो दान पूर्णतया मानी नहीं जाती है यद्यपि संकल्प से ही दिया जाता है। दूसरी कहते हैं कि जो व्यक्ति को दान देता है उस व्यक्ति का धन या वस्तु को किसी भी व्यक्ति दान दिया हुआ जो रहता व्यक्ति है वो किसी भी स्वरूप कृष्ण का दास है और भगवान के दास होने के कारण और जो गोल भगवान कृष्ण है उस गोलोक धाम में और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ पद है उस पद में भगवान महाप्रभु ने जीवों को प्रतिष्ठित कराने के लिए अपने स्वधाम लेकिन हम लोग साधना करते थे वो सब उन मुक्तियों के लिए ही करते थे। परंतु अभी इस कल्प में जो महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतरण हुए हैं उस वस्तु को देते हैं तो चिरकाल से कभी दिया नहीं गया है। अब वो कब दिया गया था कि ब्रह्मा जी के एक 12 घंटे में एक बार महाप्रभु के अवतार में दिया जाता है। तो इसमें हमने सुना था जैसे कृष्ण है कृष्ण जब अपने से दूर होते हैं तो भोग और मुक्ति को देकर के दूर हो जाते हैं और जीव किसी प्रकार से अपना सुख सुख की कामना नहीं करता प्रभु की सुख तो प्रभु की सुख होगा कैसे कहते हैं कि भगवान की नित्य सेवा से ही जीव को शुद्ध भक्ति सेवा की संतुष्टि मिलती है। परंतु कृष्ण तो वो सेवा देंगे नहीं क्योंकि अगर उनको सेवा दे दिया परंतु जो उनके सर्व प्रकार से आराधना करने वाले जो सेवक हो या जो सेवा जो उनको सब प्रकार से सेवा कर सकती है वो है राधा रानी। तो जो सेवा की जो वस्तु जिनके पास है जब तक वो नहीं इसीलिए उनको ही अंगीकार करके इन्होंने उस ब्रज भक्ति को दान दिया है। इसमें हम लोग श्रवण करते हैं कि किस प्रकार का ब्रज भक्ति था। देखो एक समय भगवान कृष्ण बाल बालों का उच्चारण कर रहे हैं घोड़े पर चल रहे हैं ठाकुर जी क्या करते हैं उनके पीठ पर भी चढ़ जाते हैं और फिर घोड़ा बन करके सखा लोग क्या करते हैं तो शेर चढ़ाते हैं सब जगह पर जब कृष्ण आ जाते हैं वो घोड़े की सेवा की है ठाकुर जी की बारी उनको बनना पड़ेगा जब उनकी बारी आती है ठाकुर जी तो फिर ठाकुर जी क्या करते हैं जगह बैठ जाते हैं तो खेल खत्म होता है और ठाकुर जी को लगता है कि भैया मेरे को कोई खिला दे थोड़ा मेरे साथ अपने साथ खेलने के लिए कोई राजी नहीं क्योंकि वो तो भगवान बोल दिया मुझको। अब जब खाने की बारी आती है तो सब लोग प्रसाद पाते हैं मैया ने सबके लिए देते हैं अपने अपने मैया अपने अपने बच्चों को देते हैं सब लोग वापस बैठ कर जैसे खाते हैं तो कृष्ण को कृष्ण कहते हैं कि मेरे को भी थोड़ा दो तो कहते हैं नहीं तुम्हें हम क्यों दें तुम तो भगवान हो तो दाव को देंगे क्योंकि दावा हमारे साथ क्या करके क्या करते हैं रोते हैं तो रोते हैं तो सखा लोग कहते हैं तो ऐसे ऐसे भगवान भी हैं जो कि रोते भी हैं तो ये सुन करके सब लोग बड़ा उनके की जुड़ा फिर ठाकुर जी क्या करते हैं नहीं नहीं मेरे छोटा सा गलती हो गई मेरे को आप लोग मेरे को क्षमा कर दो फिर सखा कहते हैं मुझे उनके माधुर्य में भक्ति जो कि केवल ब्रज में है इसीलिए ये एक प्रकार से देखा जाता है सखाओं के साथ है जब ठाकुर जी और माताओं के साथ और अपने प्रियतमाओं के साथ क्योंकि आप आगे बड़े माने आमा के समझ है अपने के बड़ा होने आपके समझ है मतलब समान ही आपको इस प्रकार से जो बच्चा है माता पिता उसको छोटा ही मानेंगे अगर माता पिता बच्चे को बड़ा मानने लग जाए तो फिर क्या होगा उसका पालन नहीं कर पाएंगे उनको डांट कर नहीं पाएंगे भगवान को चाहिए कि मेरे को भी कोई सांसद करे मेरे को कोई स्नेह करे मेरे को कोई खिलाए मेरे को इस प्रकार जो है इसे बड़ा सुंदर भजन है मनिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेच ले आया इतने सारे ब्रज में भजन है उससे क्या प्रतीत होता है कि जब ठाकुर जी राधा रानी उनसे बहुत अच्छा वाला मान रख लेती है अब वो दूसरे मान कभी उसको भंग नहीं कर पाएंगे श्याम सुंदर थक जाता है
अब मैं राधा जी के मान को कभी भी मतलब तोड़ नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, कुछ छोटा मोटा प्रयास कर लेते हैं। जैसे कभी ज्योति तत्व विवेदी कहते हैं, जिसको काल को भय करता है, काल के नाम सुनते ही हम लोग कितने काम जाते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, जब काल के नाम सुनते हैं कितने डर जाते हैं। कहते हैं जिस काल जिस प्रभु के नाम सुनते ही वो डर जाता है। आज वो मैया की छड़ी से डर रहे हैं, आज वो गोपी मीणा फटकार से डर रहे हैं, तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तब तो कौन पिएगा,
कोई एक बार पिए तो इसके लिए ये प्रायश्चित है, कोई अगर बार बार जो निरंतर पिए तो उसको क्या करते हैं, तो उन्हें उसको लिए प्रायश्चित नहीं है, तो वर मानते हुए वेद की
गोपियां, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी आपकी स्वागत कैसे की बड़े सुखदेव गोस्वामी से भी पहले व्यास देव जी, व्यास जी से पहले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी नारद जी कृष्ण नारायण। तो कृष्ण ने स्वयं चतुश्लोकी के रूप में जब भगवान के जब नारद कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए तो कृष्ण ने चतुश्लोकी के रूप में ही श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी सर्वप्रथम प्रदान करी। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास, लेकिन तब पर भी सबका अग्रहण उसके अंदर धारण करते 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 जब गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे पास में आ रहा है तब इसके अंदर बार 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 रस की और वृद्धि होती जा रही है। इतना ही इसलिए कहते हैं शुभ मुखार अमृत संयुतम। और विशेष करके जीव गोस्वामी बात कहते हैं जाता है जब वो चिड़िया पैखाना करती बीट करती है तो वो भले ही मरुभूमि को ना हो, देखना आप कभी कभी छत के ऊपर देखने को मिलता है गर्भ का, तो वो मरुभूमि क्यों ना हो। फिर कह रहे हैं केवल तो खाक होता है रस्म आ रहे हैं। अभी प्रश्न उठता है कि आप कह रहे हैं निगम कल्पत और गलितम फल, ये फल है सारे वेदों का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत, लेकिन फिर कह रहे हो विवत पीने के लिए तो कोई रस ऐसा समुद्र स्वरूप है। फिर कह रहे हैं रसिका और भूमि भाव का बोलते हैं इसका पान कौन कर सकता है, दो व्यक्ति पान कर सकते हैं, एक जो रसिक है और एक जो भाव, रसिक और भाव ये दो व्यक्ति इसका पान कर सकते हैं, क्योंकि भागवत और